जी फसल आ रही है गेहूं की, आप फसल उठाओगे अपने आंदोलन करोगे? नहीं देखो, यो चीज अब हमारे सामने जरूरी आ गई, यो आंदोलन जो आ गया, यो मुच्छों की लड़ाई है क्या? नहीं मुच्छों की लड़ाई नहीं, हमारा यो बिल्कुल यो हमारा सत्यानाश है जो हम इससे उठ के जावे, हमारी बेइज्जती भी और हमारा नुकसान भी है। अच्छा हाँ, मतलब ये जो है जमीन छीनने वाली बात आ गई? हाँ, जमीन छीनने वाली भी, जमीन छीनने वाली भी सारी बात आ गई, बहुत नुकसान हो गया भाई। 200 किसानों की करीब मौत हो चुकी है, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे गोली मारी हो, चाहे फांसी लगाई हो। हाँ, उन्होंने जान भी दे दी। हाँ, अपनी फसल भी नष्ट कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं कच्ची फसल पर। हाँ, पर सरकार की जो है कान पे जू नहीं रेंग रही है कतई भी। ऐसा है जो भुक्का आदमी हो ना, भुक्का उसे देश के बारे में ज्ञान नहीं होता। जो भुक्का आदमी है, भुक्का कौन है? मोदी। मोदी भुक्का है और इसने ऐसी जगह जन्म ले रखा कि कमीन जगह और खुद कमीन, आदत का कमीन। लेकिन ताऊजी जो गुजरात है ना, हाँ, वो करोड़पतियों का राज्य है, वहाँ गरीबी नहीं है इतनी? नहीं सुनो, करोड़पति और है जिन्होंने उसके गले में जेवड़ा घेर रखा, वो नहीं करोड़पति, वो तो अब बना जब यो प्रधानमंत्री बन गया। गुजरात तो पहले से बहुत खुशहाल नहीं है? गुजरात तो खुशहाल है पर वो तो नहीं था खुशहाल, वो तो बहुत नाजुक आदमी था। ये कहते हैं कि मोदी जी ने चाय बेची है, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, हमने तो नहीं देखा चाय बेचता है, क्या पता पानी उनी प्याया हो स्टेशन पे, उसने भाई रेलवे स्टेशन है, समुद्र नजदीक है, यात्री बहुत आते जाते रहे, पानी पट्टा तो प्याया होगा। लेकिन आरटीआई में कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि इनका कोई चाय का कहीं वहाँ पे दुकान थी? हाँ, कोई जिक्र ऐसा आरटीआई में खुलासा नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं, रेलवे ने नहीं दिया। हाँ, कुछ लेकिन भी। जब वो चुनाव की बात आती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, तो बाकायदा कहा जाता है कि मोदी जी ने चाय बेची है और देश को तरक्की करवाएंगे। सुनो सुनो, ऐसा है कि झूठ बोलने के आगे, अब मैं यहाँ झूठ बोलने लगूँ ना तो उसके आगे कोई लगाम नहीं, जब मैं झूठ बोल लूँगा तो उसमें क्या लगाम है? ताऊजी नेता झूठ तो बोलते ही है, पहले से पता है। नहीं नहीं, बेतुका झूठ, बेतुका। मैं आपको ठंडी नहीं दे सकता। हाँ, और कह रहा मैं तुझे 10 रुपये दे दूंगा, कैसे दे दूंगा भाई, कैसे विश्वास कर लिया जाए? ताऊजी यदि वो झूठ बोलते हैं मोदी जी, हाँ, तो दो बार इतना मजबूत कैसे उनको जनमत मिल गया? कितनी सीट आई सबसे ज्यादा उनकी? नहीं नहीं सुनो, वो झूठ बोलने से ही आई। तो लोग क्या झूठ पसंद करते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं करते। तो वोट कैसे मिलता है उनको? कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो झूठ को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो झूठ को ही पसंद करें, वाह वाह करें। हमने जब यो सरकार, यो प्रधानमंत्री बनने बन रहा था, दो बार पंचायत करी हमने गांव में, लोगों को समझा भी भाई इसका विश्वास ना करो, यो लोग झूठ बोलने वाला है, यो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। लड़न दे ना, देख लियो क्या कि सब तरह से टिका रह जाएगी, घबराओ मत। अच्छा, कुछ असर पड़ेगा? असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, कुछ असर पड़ेगा इस किसान को? बंगाल में यार भागना पड़ेगा, बंगाल की तो कोई सेज नहीं आती है ममता बनर्जी। अच्छा, लेकिन वो तो अकेले चुनाव लड़ रही है इतने सारे मंत्रियों के। देख लियो आगे आगे क्या हो, तो ये कामयाब बंगाल में ना, अब कहूँ ना है बंगाल को। अगले साल ताऊजी यहाँ भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2022 में, उसमें कुछ असर पड़ेगा आंदोलन का? यहाँ योगी भागना पड़े, भाग जाएंगे वो। लेकिन वो तो कहते कि हमने खुशहाल कर रखा है उत्तर प्रदेश। खुशहाल कहाँ से कर रखा है, सर परवाह नहीं आएगा, मैं ही अकेला। अच्छा, मैं तीन आमत है, हम कबू मेरे मेरे को छोटो बच्चा लड़का जानते है, कबू एक भाई आ जानते है, मैं न मो पे कचू खेत कटे न कचू हो, मैं निर्दल लाऊ। सरकार बहुत कैडी है, रेट बढ़ा नहीं रे, सरकार बहुत टाइट है। देखो टाइट सही है, जाएगा कर देंगे जब वोट दे देते तो।